और कहीं ना कहीं पहले आदिल आपके ऊपर जो अत्याचार करता था और आपकी मम्मी चली गई इस दुनिया से, उसके बाद आपको एक हौसला आ गया, आपकी मम्मी आपको जाते जाते एक हौसला दे दी कि आदिल को सबक सिखाना है, उसके बारे में क्या? मेरी मम्मी ये सब कुछ कर रही है, मेरी माँ मुझे न्याय दिला रही है, खुदा से इजाज़त लेकर वो खुदा के पास है स्वर्ग में। माँ देख रही उसकी बेटी को क्या टॉर्चर हुआ है, अब उसे इस दुनिया से जाने के बाद पता चल रहा है। मेरी माँ सब गड़े हुए मुर्दे बाहर निकाल रही है, आदिल के सारा पाप बाहर निकाल रही है जी। और साथ ही मैं भी जानना चाहूँगा, जो आप मेरी माँ की वजह से मुझे हिम्मत मिली है, इसलिए मेरी माँ को मैं थैंक्स गिविंग करने यहाँ आई हूँ शमशान घाट में जी। आदिल के केस में बहुत ही दिनों दिन खुलासे होते जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है आप? मैं शॉकिंग हूँ, आज सुबह ही रेप केस लगा है उन पर, बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत ही ख़राब हो गई है मेरी, आदिल की वजह से मेरी सेहत पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा मेंटली सेहत तबीयत नहीं ठीक है मेरी जी। रेप केस, फिर तनु की प्रेगनेंसी का जो मुझे वीडियो सामने आया है, मैं खुद शॉक हूँ। तनु एक शादीशुदा आदमी के साथ तुम ऐसे कैसे मुंह काला कर सकती हो, जब आपको उसने बताया था कि वो शादीशुदा है। मेरे पास अभी वीडियो आए हैं, किसी ने तो भेजे हैं कि शी इज़ प्रेग्नेंट करके। आई एम सो शॉक तनु, तुम्हारे सारे ऑडियो आ गए हैं मीडिया में, अब आप तुम फ्रेंड और दोस्ती का ड्रामा नहीं कर सकती हूँ, स्टॉप योर ड्रामा। मेरी माँ के जेवर दे दो, मेरी माँ तुम्हारा जीना हराम कर देगी। मेरी माँ ने आदिल के सारे पोल बाहर खोले हैं खुदा की मदद से, मेरी माँ की आत्मा अभी भी खुदा के पास नहीं गई है, उसी बेटी को न्याय मिला मिलेगा। मेरी माँ के जेवर दे दो तनु, तुम्हें सूट नहीं करें, क्योंकि वो तुम्हें क्या मेरे पैसे तुम पर उड़ाए, मेरी माँ के जेवर तुम पर उड़ाए हैं। मेरी माँ का आशीर्वाद है वो मेरी माँ के जेवर। अभी भी तुम्हारे पास समय है, सुधर जाओ तनु। तुम्हारे भाई भाभी से मैंने बात करी थी, अभिषेक और रुचि भाभी से, कि इसको समझाओ वरना इसकी ज़िंदगी भी तबाह हो जाएगी। उन्होंने वादा किया था लेकिन तुम नहीं सुधरी, तुम फिर भी वो एंड तक पुलिस स्टेशन में था, तुम बात करती रही एडवोकेट के द्वारा, अपने भाई भाभी को ही तुम बदनाम करती रही। शेम ऑन यू। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का केस तो मैं तुम पर डालूंगी, जो मुझे पीड़ित किया है, मेरा मेंटली टॉर्चर, मुझे मारने पर षड्यंत्र आपने आदिल के साथ किया है, तुमने डिनाई किया मैं शादीशुदा, पूरी दुनिया को मालूम है, तुमने मेरे मुंह पे बोला है कि नहीं, आदिल ने बोला है कि शादीशुदा नहीं है, सारे ऑडियो मैंने मीडिया को भेजे हैं, अब तुम कहीं नहीं बच सकती। तुमने कितने लोगों को ब्लैकमेल भी किया है, वो भी सारे ऑडियो सब कुछ है मेरे पास तनु। तुमने मेरा घर खराब किया है, एक हिंदुस्तानी लड़की का, हर लड़की को मैं माफ़ कर सकती है राखी सावंत नहीं, मेरा घर टूटा है, मेरा टूटा फूटा घर कैसे भी जुड़ा हुआ था, तुम्हारे आने के बाद आदिल ने मुझे मारा पीटा, मुझ पर अत्याचार किया तुम्हारे कहने की वजह से। तनु से कुछ बातचीत हुई आपकी? तो उसने मुझे तो चारों तरफ ब्लॉक कर दिया है, हालांकि मैंने रोशना के सारे ऑडियो भी उसे भेजे थे, उसने सुनने के बाद भी मेरे को ब्लॉक कर दिया है चारों तरफ से, क्योंकि वो सच्चाई सुन नहीं सकती। तो जो न्यूज़ में खबर आ रही है प्रेगनेंसी की, शायद सच होगी, उसने कहा कि कह रहे हैं ना कि जेल से बाहर आने के बाद ये लोग शादी करेंगे, तुम कैसे शादी करती हो तनु, मैं देखती हूँ। आप चुपके शादी करोगी तो मेरी तरह वो तुमको बर्बाद कर देगी, अगर तुम शादी करती हो तो खुलेआम करना और मेरे को शादी में बुलाना, मैं आऊँगी बैंड बाजा बारात लेकर। चुपके करोगी तो यू आर फिनिश, शायद तुम्हारा होने वाला बच्चा भी फिनिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आदिल तो तुम जब तक मेरा डाइवोर्स नहीं होगा तुम्हें अपनाएगा नहीं, चोरी छुपी तुम्हें पटा पटा के मस्का लगा लगा के कर लेगा मेरी तरह। और जिस दिन तुम एक दिन वायरल करोगी, दुनिया तुम्हारे मुंह पर थूकेगी कि राखी ने बोला था शादी मत करना, फिर भी तुमने की, मैंने वॉर्न किया था मत करना, आदिल का पीछा छोड़ दो। तुमने कल ही पोस्ट किया है इंस्टाग्राम पे कि हम तो दोस्त हैं, दोस्त ऐसे फ़ोटो बनाते हैं, ऐसे वीडियो बनाते हैं, ऐसी बातें करते हैं, दोस्त दोस्त की बीवी पर विश्वास नहीं करते, जहाँ लाके मैंने इतने फ़ोन किए थे, तुमने हमेशा मेरा अपमान किया, मुझे गालियाँ दी। आदिल के लिए मैंने सहली, क्योंकि आदिल का हाथ सपोर्ट था तुम्हें, आदिल की बीवी होने के नाते मैंने तुम्हें सहा, बाहर वाली को सहा,
वेरी बैड, शेम ऑन यू। आदिल की पहले भी शादी हो चुकी थी, उनका खबर मेरे पास आई है, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आए हैं, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। जी जी। हालांकि वो लड़की शादी करके यूएस में सेटल हो गई है। जी जी। वो मीडिया में आके नहीं बोलना चाह रही, बट हम जहाँ जहाँ शादी हुई है, जहाँ जहाँ डाइवोर्स हुआ है, हम डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स तो आ चुके हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई है हम ढूंढ रहे हैं। थैंक यू मैम।